मेरे परिवारजनों, आप संतों के सानिध्य में काशी के लोगों ने मिलकर विकास और नवनिर्माण के कितने ही नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज स्वर्वेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। इसलिए मंदिर का भ्रमण करते हुए मैं खुद भी मंत्रमुग्ध हो गया था। स्वर्वेद मंदिर भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य का एक आधुनिक प्रतीक है। मैं देख रहा था इसकी दीवारों पर स्वर्वेद को बड़ी सुंदरता के साथ अंकित भी किया गया है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। इसलिए ये मंदिर एक तरह से अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहां हजारों साधक एक साथ विहंगम योग की साधना कर सकते हैं। इसलिए ये महामंदिर एक योग तीर्थ भी है और साथ साथ ये ज्ञान तीर्थ भी है। मैं इस अद्भुत आध्यात्मिक निर्माण के लिए स्वर्वेद महामंदिर ट्रस्ट को और लाखों लाखों अनुयायियों को बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं पूज्य स्वामी जी स्वतंत्र देव जी और पूज्य श्री विज्ञान देव जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस अनुष्ठान को पूरा किया है।